हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य सीरीज साइंस के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जो हम लक्ष्य सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इस लक्ष्य सीरीज में हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम लेके आए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जरा हम इस चैप्टर के वेटेज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो ये जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इसका जो हमारा वेटेज है वो है 5 to 6 मार्क्स का, यानी कि 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये तो हमारा वेटेज रहा। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इस चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और उसी टॉपिक से अंदर ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करेंट कैरिंग वायर, यानी कि हम कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास में ले जाके रख दे रहे हैं। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर फॉलोइंग केस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस, यानी कि आपको दो केस दिया गया है ए और बी, इन दोनों केस के अकॉर्डिंग जब आप क्या करिएगा, कंपास नीडल को एक ऐसे वायर के पास रखिएगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करिएगा इन दोनों केस में, इन दोनों केस में आप क्या ऑब्जर्व करिएगा यह आपको लिखना है और उसका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला केस क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, यानी कि जब हम वायर में करंट का फ्लो जो है उसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, यानी कि करंट का फ्लो बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारा जो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, यानी कि कंपास नीडल को जब हम वायर से दूर करेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर के डिस्टेंस से, यानी कि जब हम कंपास नीडल को दूर करेंगे तो जो हमारा कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड क्या होता है और हाउ डज द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव, यानी कि जब सोलेनोइड में हमारा करंट फ्लो करेगा तो कैसे बिहेव करता है, और गिव इट्स मेन यूज, और इसका मेन यूज क्या है ये लिखना है। ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्रॉइंग बोर्ड, यानी कि एक स्टूडेंट है वो ड्रॉइंग बोर्ड पे एक व्हाइट पेपर को फिक्स करता है। ही प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, यानी कि जो पेपर है उसके सेंटर पे एक बार मैग्नेट को वो फिक्स कर देता है। आगे बोल रहा है, ही स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्म अराउंड द बार मैग्नेट, यानी कि वो क्या करता है कि बार मैग्नेट के आसपास वो कुछ आयरन के बुरादे को छीट देता है। देन ही टेप द बोर्ड जेंटली, यानी कि उसके बाद क्या करता है, जो उसका बोर्ड है उसको थपथपाता है। एंड ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पर्टिकुलर पैटर्न, और देखता है कि जो वो आयरन का बुरादा है वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गया है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कंडीशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन ए पैटर्न, यानी कि क्यों वो जो आयरन का बुरादा है वो एक पार्टिकुलर पैटर्न में क्यों अरेंज हुआ है, इसका आपको रीजन देना है। तो जो पहला सब क्वेश्चन है वो क्या कहे कि व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन द पैटर्न, तो आंसर क्या होगा, देखिए जो बार मैग्नेट है वो अपने अराउंड क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो हमारा आयरन का बुरादा है वो कुछ इस डायरेक्शन में, यहां से कुछ ऐसे वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है,
इस आयरन के बुरादे को इस पैटर्न में अरेंज होने का रीजन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग एट द एंड ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट, यानी कि यहां पे मैग्नेट के एंड पे यहां पे जो आयरन का टुकड़ा है वो ज्यादा क्यों रहता है, यहां पे उसका क्राउड ज्यादा क्यों रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंड पे यानी कि पोल पे जो होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जो हमारा आयरन का फीलिंग है उसका क्राउड ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बी नंबर रहा। सी क्या है, व्हाट डज द लाइन अलोंग विच द आयरन फीलिंग लाइन रिप्रेजेंट, यानी कि वो कौन सा लाइन है जिस पे हमारा जो आयरन का टुकड़ा है वो अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो कौन सा लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग ही जो हमारा आयरन का टुकड़ा है वो अपने आप को अरेंज किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए नेट डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक डायग्राम बना के दिखाना है। और लास्ट है कि राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दो प्रॉपर्टी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या आप पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी टू यूज, यानी कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और उसका दो यूज भी आपको बताना है। इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड, यानी कि आपको डायग्राम बना के दिखाना है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो कैसे बनता है, मान लीजिए कि ये आपका बैटरी रहा, यहां से ले गए एक आयरन का टुकड़ा लीजिए और इस वायर को ले जाके इस पे आप क्या करिए, वाउंड कर दीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए निगेटिव टर्मिनल से, ये निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव और यहां पे हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। तो यही डायग्राम बना के आपको दिखाना है। सी नंबर क्या है, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जो यहां पे हम आयरन यूज किए हैं, यहां पे जनरली हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो इसका रीजन देना है कि हम ये क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। तो देखिए सॉफ्ट आयरन क्या होता है, गुड और हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सॉरी मैग्नेट होता है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको लिखना है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा आप लोग। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, स्टेट फोर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फोर प्रॉपर्टी को आपको लिखना है, जिसमें से कुछ ऐसा है कि जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्लोज लूप में होता है, फिर दो फील्ड लाइन आपस को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यही सारी चीजों को आपको लिखना है सिक्स नंबर क्वेश्चन में। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी कि जो हमारा एसी है उसका एडवांटेज लिखना है डीसी से कंपेयर करके। तो क्या होगा, जैसे कि जो एसी होता है वो क्या होता है, आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, डीसी जो होता है वो ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव होता है। फिर एसी को अगर हम एसी के जो सर्किट है अगर उसको हम दूर लेके जाए तो जो पावर का लॉस होता है वो कम होता है और डीसी में ज्यादा होता है। तो यही कुछ एडवांटेज है एसी के, इन्हीं सारे एडवांटेज को आपको लिखना है एट नंबर क्वेश्चन में। तो ये आठों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहीं पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, फिल द नॉलेज।